राज्यातील सर्वच जिल्हा आणि तालुका स्तरावरून मुस्लिम समाजातील उपेक्षित आणि दुर्लक्षित घटकांना मुख्य प्रवाहात जोडण्यासाठी महाराष्ट्रीयन मुस्लिमांचे सामाजिक राजकीय सशक्तीकरण करणे, शिक्षा आणि रोजगारात भागीदारी मिळवणे तसेच न्याय व अधिकार प्राप्तीकरिता संवैधानिक मार्गाने संघर्ष करणे यासाठी महाराष्ट्रीयन मुस्लिम विकास परिषद राज्यभर सक्रिय आहे। ही अराजकीय एक सामाजिक संघटना असून मुस्लिम समुदायातील उपेक्षित घटकात जनजागृतीची मोहीम आणि चळवळीत गत 18 वर्षांपासून राज्यभर कार्यरत आहे। यामध्ये डॉक्टर, वकील, इंजिनियर, पत्रकार, साहित्यिकार, विचारवंत, कर्तृत्ववान, गुणवंत, सामाजिक, राजकीय अशा विविध क्षेत्रातील मान्यवर कार्यरत आहे। सामाजिक कार्याबरोबरच या संघटनेचे रोजगार, व्यापार, औद्योगिक क्षेत्रात देखील मोठे योगदान देण्याचे प्रयत्न आहे। औद्योगिक क्षेत्राबरोबरच ट्रेडिंग, मार्केटिंग, मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सेवा पदार्पण क्षेत्रातही ही कार्यरत करून सन्मानजनक रोजगार निर्माण करून स्वावलंबी, स्वाभिमानी, आर्थिक सक्षम समाज निर्माण करून राज्यासहित देशाच्या आर्थिक प्रगतीत प्रत्यक्ष सामील होऊन उल्लेखनीय योगदान देणे यावर संघटनेचा अधिक भर आहे। महाराष्ट्रीय मुस्लिम विकास परिषद ही एक सामाजिक संघटना आहे। इसकी स्थापना 1 मई 2004 को मुंबई में हुई। इसका उद्देश्य है कि महाराष्ट्र के मुसलमानों का सामाजिक राजनीतिक सशक्तिकरण हो, शिक्षा और रोजगार में भागीदारी मिले और न्याय अधिकार के लिए संघर्ष करना। महाराष्ट्र के मुसलमानों को जो है लीडरशिप डेवलप करने के लिए इस संगठन की स्थापना की गई और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, जहां से महाराष्ट्र का सारा राजकीय कारोबार चलता है, सारे महाराष्ट्र के चुने हुए आमदार जो है वहीं पर जाते हैं और उसमें से जो पार्टी की संख्या ज़्यादा रहती है वही सत्ता में जाती है, उन्हीं में से मुख्यमंत्री बनता है, उन्हीं में से मंत्री बनते हैं और फिर ये तमाम जो चैन के अंदर महाराष्ट्र के मुसलमानों को उनके नज़दीक उनका लीडर मिलना चाहिए। इसके लिए वो उनके पास में लीडर के नज़दीक के लोगों के साथ में उनका संपर्क नहीं होने की वजह से वो लोगों को मुंबई की तरफ भागना पड़ता है अपने राजनीतिक कामों के लिए और सामाजिक कामों के लिए, शैक्षणिक कामों के लिए, और वहाँ उनको बड़ी अड़चन आती है, उनको सही से कॉपरेट नहीं होता। तो हम महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों के रहने वाले, मुंबई के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, ये महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से, अलग अलग विभागों से जो मुंबई में रह रहे, ये लोगों ने तय किया कि क्यों न एक ऐसा संगठन बनाए जो महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र के मुसलमानों की अड़ी अड़चन और समस्याओं को मंत्रालय तक, मंत्रियों तक और संबंधित विभागों तक पहुँचाए और उनका जो है फॉलोअप लेवे और उनके समस्याओं का हल कराने का प्रयास करे। उसी तरीके से महाराष्ट्र की तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ में जो उनके शीर्ष नेता है और जो उनके नेतृत्व है उनके साथ में संपर्क में रहे और उनसे बात करें और हमारी समस्या उन तक पहुंचा करके उनका हल करने की कोशिश किया। उसी तरीके से सारे 288 आमदार जो है ये चुन करके उधर ही आने वाले रहते, तो अपने विभागों में अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो उनके सीनियर लीडरान से मिल करके या वहाँ मुंबई के जो प्रभावशाली हमारे संगठन के जो नेता है इन लोगों से उनकी चर्चा करा करके स्थानिक समाज के लोगों को जो है हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को न्याय दिलाने के लिए उनके संपर्क में रहना, ये हमारे इस संगठन का उद्देश्य है। साथ साथ में जो है हम इस संगठन के माध्यम से मुस्लिम आरक्षण के ऊपर एक बहुत बड़ी मुहिम जो है 2010 से चला रहे, जिसके बाद में इस मुहिम के असर की वजह से 2014 में मुस्लिम को समाज को आरक्षण मिला, मगर वो कोर्ट के अंदर चैलेंज हो जाने की वजह से कोर्ट के भी अंदर हमने उसकी पैरवी की और कोर्ट को ये समझाने पर हम कामयाब रहे कि भाई मुसलमानों को मिला हुआ आरक्षण जो है ये मजहब की बुनियाद पे नहीं है, असंवैधानिक नहीं है, जबकि हमारे पिछड़ेपन की वजह से ये मिला हुआ है और मुसलमान नाम का कोई मजहब इस दुनिया में अस्तित्व नहीं है। हम इस्लाम के मानने वाले, लेकिन सरकार की विभाग में अधिकारियों की कमी, इसकी वजह से कम अज्ञानता की वजह से जो है उन्होंने हमारे धर्म के कॉलम के अंदर हमारा मजहब इस्लाम लिखने की बजाय मुसलमान लिख दिया। इस वजह से वो इसमें आया और कोर्ट इस पर राजी हुआ। सेम बेंच के अंदर मुसलमानों का आरक्षण भी था और मराठाओं का भी आरक्षण के लिए सेम बेंच सुनवाई कर रही थी। उसी बेंच ने मराठाओं का आरक्षण रिजेक्ट कर दिया असंवैधानिक बोल करके, लेकिन मुसलमानों का आरक्षण जो है 5% शिक्षा में दिया जाए ऐसा उसने उस वक्त की सरकार को यानी फडणवीस सरकार को निर्देश दिया था, मगर वो सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जो आज लैप्स हो चुका है। इसके लिए फिर नए सिरे से मुहिम भी अब चलाई जा रही है। इसके साथ साथ में हम जो है रोजगार पे बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पे जो है रोजगार लोगों को जनरेट कराना, समाज को सम्मानजनक रोजगार के साथ में जोड़ना, जहाँ छोटे मोटे कारोबार के अंदर लोग बैठे उनको बड़े कारोबार के अंदर लाना और कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर उनके काम की और उनके कारोबार का जो है इस्टेब्लिश करना, ये संगठन का उद्देश्य है। संगठन कहाँ कहाँ सक्रिय है अभी आपके? इस वक्त में संगठन हमारा मराठवाड़ा में सक्रिय है, विदर्भा में सक्रिय है,
और मुंबई में सक्रिय है। और अभी हाल फिलहाल के अंदर हमने जो है इस संगठन के माध्यम से इसकी जड़ों को जो है कोकण की तरफ फैलाना शुरू किया, क्योंकि कोकण के अंदर का जो एक क्षेत्र है वो एकदम अलग थलग होकर के रह गया है। कोकण के मुसलमानों के अंदर लीडरशिप डेवलप हो, कोकण के मुस्लिम समाज के अंदर सामाजिक और राजनीतिक चेतना आए और वो लोग सामाजिक और राजनीतिक जो है नेतृत्व की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि किसी ज़माने में कोकण ने जो है इस देश को नेतृत्व दिया है, इस राज्य को नेतृत्व दिया, मुस्लिम नेतृत्व वहाँ से मिला है, मगर आज कोकण शून्य है, एक आमदार भी कोकण से चुन करके नहीं आता है। तो कोकण के लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने की बहुत बड़ी मुहिम हमारी चल रही है कि किसी भी तरीके से कोकण के अंदर से जो है फिर से नए सिरे से जो है कोकण के लोगों को जागरूक करना और संगठित करना, इसके ऊपर हमारा काम है। वैसे हम हर इलाके के अंदर महाराष्ट्र के सारे विभागों के अंदर, विदर्भ हुआ, खानदेश हुआ, पश्चिम महाराष्ट्र हुआ, दक्षिण का इलाका, कोकण का इलाका, उसके अंदर हमारे संगठन के कम बेस से ज़्यादा लोग काम कर ही रहे। साथ साथ में हमने जो है एक ऐप के जरिए से मुस्लिम समाज के लोगों को जो है जोड़ने की कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग है। आज हमारे पास में हमारे संगठन के ऊपर 4,000 से ऊपर लोग हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर हम 1,00,000 का टारगेट जो है पूरे महाराष्ट्र के अंदर से इसके जरिए से हम सदस्यों को जोड़ें, अलग अलग विभागों से, अलग अलग जिलों से। इसी सिलसिले में हमने जो है एक दौरा इसके लोगों को जागरूक करने के लिए और संगठन के साथ में जोड़ने के लिए, संगठन के ध्येय धोरण को बता करके उसके साथ में जोड़ने के लिए हमने एक अभियान शुरू किया है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम पिछले 1 साल से 1.5 साल से जो है एक्टिव नहीं थे और लोगों से जो है व्हाट्सएप और फ़ोन पे संपर्क में रहते हैं। काफ़ी लोगों की ये डिमांड थी कि भाई हमारी तरफ आएँ, आप हमारे लोगों को बताएं। तो हमने जो है उसमें अहमदनगर ज़िले का दौरा, कुछ अहमदनगर ज़िले के कुछ इलाकों का हमने दौरा जो है किया, जिसमें से आज हम जो है यहाँ श्रीरामपुर शहर में आए हैं। श्रीरामपुर शहर में हमने यहाँ के जो है जागरूक सामाजिक कार्यकर्ता और जो है हमारे शौकत भाई जो है समता इनका जो है ये ऑफिस है और ये पत्रकारिता की लाइन से बहुत बड़ा इनका जो है नेटवर्क है, तो इनसे हम इनके ज़रिए से यहाँ पे एक मीटिंग का आयोजन किया गया। यहाँ उनके साथ में हमारे से जो एडवोकेट जो है मोहसिन भाई है और हमारे जो है साथ में जो है मोहसिन भाई बाय प्रोफेशन टीचर है वो, और साथ साथ में हमारे साथ में जो है फारूक पठान साहब है जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर भी है, बिल्डर है, डेवलपर है, और इसके अलावा मकामी साथियों से हमारी मुलाकात हुई, संगठन के विषय में चर्चा हुई और उसमें बात हुई, और हमने यहाँ पे जो है जनाब शौकत भाई को जो है हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर के तौर पे नगर जिले के लिए उनको जो है नियुक्त किया है। ये आने के मकसद हमारे यही था कि हम नियुक्ति भी कराएं हमको यहाँ पे, अब आने वाले दिनों में इनके जरिए से हम जो है इस हमारे संगठन का जो है प्रचार प्रसार और इसके ध्येय धोरण उद्देश्य लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। शुक्रिया। जो है रोजगार पे बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, ये बड़े पैमाने पे जो है रोजगार लोगों को जनरेट कराना, समाज को सम्मानजनक रोजगार के साथ में जोड़ना, जहाँ छोटे मोटे कारोबार के अंदर लोग बैठे उनको बड़े कारोबार के अंदर लाना और कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर उनके काम की और उनके कारोबार का जो है इस्टेब्लिश करना, ये संगठन का उद्देश्य है। संगठन कहाँ कहाँ सक्रिय है अभी आपके? इस वक्त में संगठन हमारा मराठवाड़ा में सक्रिय है, विदर्भा में सक्रिय है और मुंबई में सक्रिय है। और अभी हाल फिलहाल के अंदर हमने जो है इस संगठन के माध्यम से इसकी जड़ों को जो है कोकण की तरफ फैलाना शुरू किया, क्योंकि कोकण के अंदर का जो एक क्षेत्र है वो एकदम अलग थलग होकर के रह गया है। कोकण के मुसलमानों के अंदर लीडरशिप डेवलप हो, कोकण के मुस्लिम समाज के अंदर सामाजिक और राजनीतिक चेतना आए और वो लोग सामाजिक और राजनीतिक जो है नेतृत्व की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि किसी ज़माने में कोकण ने जो है इस देश को नेतृत्व दिया है, इस राज्य को नेतृत्व दिया, मुस्लिम नेतृत्व वहाँ से मिला है, मगर आज कोकण शून्य है, एक आमदार भी कोकण से चुन करके नहीं आता है। तो कोकण के लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने की बहुत बड़ी मुहिम हमारी चल रही है कि किसी भी तरीके से कोकण के अंदर से जो है फिर से नए सिरे से जो है कोकण के लोगों को जागरूक करना और संगठित करना, इसके ऊपर हमारा काम है। वैसे हम हर इलाके के अंदर महाराष्ट्र के सारे विभागों के अंदर, विदर्भ हुआ, खानदेश हुआ, पश्चिम महाराष्ट्र हुआ, दक्षिण का इलाका, कोकण का इलाका, उसके अंदर हमारे संगठन के कम बेस से ज़्यादा लोग काम कर ही रहे। साथ साथ में हमने जो है एक ऐप के जरिए से मुस्लिम समाज के लोगों को जो है जोड़ने की कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग है। आज हमारे पास में हमारे संगठन के ऊपर 4,000 से ऊपर लोग हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर हम 1,00,000 का टारगेट जो है पूरे महाराष्ट्र के अंदर से इसके जरिए से हम सदस्यों को जोड़ें, अलग अलग विभागों से, अलग अलग जिलों से। इसी सिलसिले में हमने जो है एक दौरा
इसके लोगों को जागरूक करने के लिए और संगठन के साथ में जोड़ने के लिए, संगठन के ध्येय धोरण को बता करके उसके साथ में जोड़ने के लिए हमने एक अभियान शुरू किया है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम पिछले एक साल से डेढ़ साल से जो है एक्टिव नहीं थे और लोगों से जो है व्हाट्सएप और फ़ोन पे संपर्क में रहते हैं। काफ़ी लोगों की ये डिमांड थी कि भाई हमारी तरफ आएँ, आप हमारे लोगों को बताएं। तो हमने जो है उसमें अहमदनगर ज़िले का दौरा, कुछ अहमदनगर ज़िले के कुछ इलाकों का हमने दौरा जो है किया, जिसमें से आज हम जो है यहाँ श्रीरामपुर शहर में आए हैं। श्रीरामपुर शहर में हमने जाके जो है जागरूक सामाजिक कार्यकर्ता और जो है हमारे शौकत भाई जो है समता इनका जो है ये ऑफिस है और ये पत्रकारिता की लाइन से बहुत बड़ा इनका जो है नेटवर्क है, तो इनसे हम इनके ज़रिए से यहाँ पे एक मीटिंग का आयोजन किया गया। यहाँ उनके साथ में हमारे से जो एडवोकेट जो है मोहसिन भाई है और हमारे जो है साथ में जो है मोहसिन भाई बाय प्रोफेशन टीचर है वो, और साथ साथ में हमारे साथ में जो है फारूक पठान साहब है जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर भी है, बिल्डर है, डेवलपर है, और इसके अलावा मकामी साथियों से हमारी मुलाकात हुई, संगठन के विषय में चर्चा हुई और उसमें बात हुई, और हमने यहाँ पे जो है जनाब शौकत भाई को जो है हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर के तौर पे नगर जिले के लिए उनको जो है नियुक्त किया है। ये आने के मकसद हमारे यही था कि हम नियुक्ति भी कराएं हमको यहाँ पे, अब आने वाले दिनों में इनके जरिए से हम जो है इस हमारे संगठन का जो है प्रचार प्रसार और इसके ध्येय धोरण